तो दोस्तों आज तारीख हो गई है 1 जनवरी 2023 की, साथ ही में दिन है रविवार का, वही हिंदी तारीख है शुक्ला दशमी और महीना चल रहा है पौष का। तो आइए बिना देर किए फटाफट से जानते हैं आज की ताज़ा खबरें और मुख्य समाचार। हालांकि दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपको ये नया साल बहुत बहुत मुबारक, हैप्पी न्यू ईयर। तो दोस्तों आज नए साल के मौके पर पहली बड़ी खबर आ रही है राहुल गांधी और नीतीश कुमार को लेकर। जानकारी के मुताबिक मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने विपक्ष के प्रधानमंत्री उम्मीदवार को लेकर एक बड़ा बयान दिया है। नीतीश कुमार ने कहा है कि मैं प्रधानमंत्री पद की रेस में नहीं हूं। साथ ही इसी दौरान जब उनसे एक सवाल किया गया कि क्या राहुल गांधी पीएम का चेहरा हो सकते हैं, तो इस पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने मुस्कुराते हुए कहा कि हमें इससे कोई दिक्कत नहीं है और इसमें कोई बुराई भी नहीं है, सब एक साथ मंच पर आए, साथ मिलकर सब कुछ तय होगा, हम लोग तो वेट कर रहे हैं। आसान शब्दों में कहें तो उनके इस बयान से ये कहा जा सकता है कि आने वाले 2024 के प्रधानमंत्री के चुनाव में अगर राहुल गांधी पीएम का चेहरा होते हैं तो नीतीश कुमार को उनका सपोर्ट मिल सकता है। वैसे दोस्तों आप नहीं जानते हैं तो आपको बता दें, बीजेपी की जो विपक्ष पार्टियां हैं, यानी कि बीजेपी के अलावा जो पार्टियां हैं, वो सभी एक साथ मिलकर लोकसभा के चुनाव में बीजेपी को हराना चाहते हैं। आसान शब्दों में यूं भी कहा जा सकता है कि अगर इन पार्टियों का प्लान कामयाब हो जाता है तो 2024 में देश को नया प्रधानमंत्री मिल सकता है। दोस्तों आप भी इसी वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं कि क्या देश को नए प्रधानमंत्री की जरूरत है या नहीं है, साथ ही में अगर नए प्रधानमंत्री की जरूरत है तो आपके हिसाब से कौन होना चाहिए। वीडियो को देखने के बाद आप अपना जवाब इसी वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, आपके दिए गए जवाब से काफी कुछ पता चलता है। वहीं दोस्तों अगली बड़ी खबर आ रही है रोनाल्डो को लेकर। जानकारी के मुताबिक क्रिस्टियानो रोनाल्डो इंग्लैंड के फुटबॉल क्लब मैनचेस्टर यूनाइटेड की जगह सऊदी अरब के क्लब अल नासर के साथ खेलते हुए दिखाई देंगे। जानकारी के मुताबिक रोनाल्डो ने अल नासर के साथ 200 मिलियन यूरो यानी कि 17,000 करोड़ रुपए में डील की है। बताया गया उनका ये अग्रीमेंट आने वाले 2025 तक चलेगा। आसान शब्दों में कहें तो फुटबॉल के खिलाड़ी रोनाल्डो को केवल 2 से 3 साल के लिए 17,000 करोड़ रुपए दिए गए हैं, जिसके सामने पैसे के मामले में दुनिया के किसी भी खेल के खिलाड़ी या फिर क्रिकेट के खिलाड़ी भी कुछ नहीं है। सऊदी अरब की टीम में रोनाल्डो का जर्सी नंबर 7 होगा। वहीं दोस्तों अगली बड़ी खबर आ रही है मीका सिंह को लेकर। जानकारी के मुताबिक बिलियनियर मुकेश अंबानी के छोटे बेटे अनंत अंबानी की 29 दिसंबर को राधिका मर्चेंट के साथ अभी हाल ही में एंगेजमेंट हुई थी। बताया गया इस सेरेमनी में कई बॉलीवुड सेलिब्रिटीज ने शिरकत की थी। जानकारी के मुताबिक सितारों से सजी शाम में सिंगर मीका सिंह ने अपने गानों से 4 चांद लगा दिया। अब मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ये कहा जा रहा है कि उन्होंने इस सेरेमनी में केवल 10 मिनट की परफॉर्मेंस दी, लेकिन इसके लिए उन्होंने करीब 1.5 करोड़ रुपए की फीस चार्ज की। बताया गया मीका सिंह अमूमन इतने पैसे 1 घंटे के शो के लिए चार्ज करते हैं। वहीं दोस्तों अगली बड़ी खबर आ रही है महंगाई को लेकर। जानकारी के मुताबिक इस नए साल में जियो टैरिफ की दर को 10% से ज्यादा बढ़ा सकता है। आसान शब्दों में कहें तो इस नए साल 2023 में टेलीकॉम कंपनियां रिचार्ज प्लान के दाम बढ़ा सकती हैं और ये बढ़ोतरी लगभग 10% की हो सकती है, यानी कि 100 रुपए का रिचार्ज 110 रुपए से ज्यादा का हो सकता है, वहीं 200 रुपए वाला रिचार्ज 220 रुपए से ज्यादा का हो सकता है। बाकी इसके आगे आप खुद भी जोड़ सकते हैं। साथ ही जानकारी के मुताबिक नए साल में मोबाइल रिचार्ज का प्लान महंगा होने के बावजूद 4G के मुकाबले 5G स्मार्टफोन की बिक्री ज्यादा होगी। बताया गया अप्रैल जून तिमाही के दौरान देश में, यानी कि अप्रैल 2023 से लेकर जून 2023 तक देश में 10 करोड़ से ज्यादा 5G स्मार्टफोन बिकने का अनुमान है। रिसर्च एजेंसी काउंटर पॉइंट के मुताबिक 2023 के आखिर तक 4G स्मार्टफोन की तुलना में 5G स्मार्टफोन की बिक्री ज्यादा होगी। आइए दोस्तों अब अगली खबर में जानते हैं कि नए साल से और खासकर इस जनवरी के महीने से कौन कौन से बड़े बदलाव हो सकते हैं। तो जानकारी के मुताबिक पहला बड़ा बदलाव हो सकता है पेट्रोल डीजल LPG सिलेंडर और CNG के दामों को लेकर। वैसे आप नहीं जानते हैं तो आपको बता दें हर महीने की शुरुआत के साथ पेट्रोलियम कंपनियां पेट्रोल और डीजल की नई दरें तय करती हैं। वैसे आपको बता दें पिछले कुछ समय से देश में पेट्रोल डीजल की कीमतें स्थिर हैं, यानी कि पिछले कुछ समय से ना तो पेट्रोल डीजल महंगा हुआ है और ना ही सस्ता हुआ है। इसी की वजह से ये कहा जा रहा है कि ऐसे में इनकी कीमतों में कुछ बदलाव का फैसला लिया जा सकता है। पेट्रोल डीजल की कीमतों के साथ साथ LPG के घरेलू और कमर्शियल सिलेंडरों की कीमतों में भी बदलाव की घोषणा हो सकती है। हालांकि फिलहाल ये पता नहीं है कि पेट्रोल डीजल या LPG सिलेंडर नए साल में जनवरी के इस महीने से महंगा होगा या सस्ता होगा। वहीं जानकारी के मुताबिक CNG और PNG के दामों में भी बदलाव हो सकता है। अगर आप नहीं जानते हैं कि PNG क्या होता है तो आपको बता दें, जिस LPG गैस को पाइप के जरिए लोगों के घरों तक पहुंचाया जाता है उसे PNG कहते हैं। वहीं दोस्तों अगर महंगाई की बात की जाए तो जनवरी के इस महीने से कई कंपनियों की गाड़ियां भी महंगी हो सकती हैं। इस महंगाई में मारुति सुजुकी, हुंडई, होंडा, टाटा मोटर्स, रेनॉल्ट, ऑडी और मर्सिडीज बेंज, इसके अलावा भी कई कंपनियां शामिल हैं। वहीं जानकारी के मुताबिक जनवरी के इस महीने में बैंक के लॉकर को लेकर भी एक बड़ा बदलाव हो सकता है। ताज़ा जानकारी के मुताबिक भारतीय रिजर्व बैंक की ओर से बैंक लॉकर से संबंधित नए निर्देश जारी किए गए हैं। बताया गया है ये नए नियम 1 जनवरी 2023 से लागू हो जाएंगे। बताया गया इन नियमों के लागू होने के बाद लॉकर के मुद्दे पर बैंक अब ग्राहकों के साथ मनमानी नहीं कर पाएंगे। साथ ही बताया गया नए नियमों के लागू होने के बाद अगर बैंक लॉकर में रखे सामान को कोई नुकसान पहुंचता है तो इसके लिए बैंक की जवाबदेही तय की जाएगी और इसके लिए बैंक और ग्राहकों के बीच एक एग्रीमेंट साइन
प्लान किया जाएगा जो कि साल के आखिरी महीने यानी कि दिसंबर की 31 तारीख तक वैलिड रहेगा। साथ ही जानकारी के मुताबिक HDFC बैंक अपने क्रेडिट कार्ड से भुगतान करने पर मिलने वाले रिवॉर्ड पॉइंट्स में बदलाव करने जा रहा है। ऐसे में ग्राहकों को सलाह दी गई है कि वो अपने क्रेडिट कार्ड में बचे सभी रिवॉर्ड पॉइंट का भुगतान कर ले। बाकी HDFC बैंक के ग्राहक ज्यादा जानकारी के लिए कस्टमर केयर पे कॉल कर सकते हैं या नजदीकी ब्रांच जा सकते हैं। वहीं दोस्तों, इस साल जनवरी के महीने से जो एक और बड़ा बदलाव हो सकता है वो है GST को लेकर। जानकारी के मुताबिक GST इनवॉइसिंग और इलेक्ट्रॉनिक बिल से जुड़े नियमों में भी नए साल से अहम बदलाव होंगे। बताया गया है, सरकार ने GST की इनवॉइसिंग के लिए जरूरी सीमा को 20 करोड़ रुपए से घटाकर 5 करोड़ रुपए कर दिया है। आसान शब्दों में कहें तो जो लोग अपने बिजनेस में GST का इस्तेमाल करते हैं, ये खबर उनके लिए बड़ी ही खास है, तो वो इसकी ज्यादा जानकारी अपने CA से पूछ सकते हैं। अब दोस्तों, ये तो बात रही कि इस नए साल 2023 से कौन कौन से बड़े बदलाव हो सकते हैं, लेकिन आइए अब आपको बताते हैं कि बीते साल 2022 में क्या क्या चीजें महंगी हुई और क्या क्या चीजें सस्ती हुई। असल में देश की जनता के लिए ये खबर इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि उसी सस्ताई और महंगाई का असर अभी हम पे पड़ रहा है। तो भास्कर.com की तरफ से ये जानकारी साझा की गई है और बताया गया है कि 1 जनवरी 2022 को घरेलू गैस सिलेंडर का दाम 899.50 रुपए था जो कि अभी 1053 रुपए का है। यानी कि एक साल में घरेलू गैस सिलेंडर पे लगभग 150 रुपए की बढ़ोतरी हुई है। ऐसे ही दोस्तों, अगर बात की जाए पेट्रोल डीजल की, तो देश की राजधानी दिल्ली में 1 जनवरी 2022 को 1 लीटर पेट्रोल का दाम 95.41 रुपए था जो कि अभी 96.72 रुपए है। यानी बीते एक साल में पेट्रोल के दाम लगभग 2% महंगे हुए हैं। ऐसे ही अगर बात की जाए डीजल की, तो 1 जनवरी 2022 को डीजल का दाम 86.67 रुपए था जो कि अभी 89.62 रुपए है। ऐसे ही 1 जनवरी 2022 को CNG का दाम लगभग 57 से 60 रुपए के करीब था, हालांकि अभी 80 रुपए के करीब पहुंच चुका है। यानी बीते एक साल में CNG प्रति किलो के हिसाब से 20 से 22 रुपए तक महंगी हुई है। दोस्तों, जाहिर सी बात है, इसी की वजह से यानी कि पेट्रोल डीजल और CNG के दाम बढ़ने के कारण लगभग सभी चीज के दाम बढ़ गए हैं। बात यह है कि गाड़ियों में इस्तेमाल होने वाला फ्यूल एक ऐसी चीज है कि अगर उसके दाम बढ़ते हैं तो लगभग सभी चीजें महंगी होने लगती हैं। जाहिर बात है, ऐसा इसलिए होता है क्योंकि गाड़ियों के माल ढुलाई का खर्च बढ़ जाता है। इसी की वजह से बड़ी बड़ी कंपनियां इस बढ़े हुए दाम को मेकअप करने के लिए सामान का दाम ही बढ़ा देते हैं। दोस्तों, आप में से जो लोग नहीं जानते उन्हें हम बता दें कि अभी पेट्रोल डीजल इतना सस्ता नहीं होता जितना अभी है। हालांकि ये अभी तो पहले के मुकाबले में महंगाई है, लेकिन दोस्तों अगर सरकार राहत नहीं देती तो ये और ज्यादा महंगा होता अगर आप हमारे मुख्य समाचार लंबे अरसे से रोजाना देख रहे हैं तो शायद आपको पता होगा कि कुछ महीने पहले केंद्र सरकार समेत देश की कई राज्यों की सरकारों ने पेट्रोल डीजल पे लगने वाला वैट यानी कि टैक्स को घटा दिया था। आप नहीं जानते हैं तो आपको ये भी बता दें कि जिस समय टैक्स को घटाया गया, उस समय देश के बहुत सारे शहरों में पेट्रोल डीजल का दाम और खास करके पेट्रोल का दाम 100 रुपए के आंकड़े को पार कर चुका था। लेकिन जैसे ही केंद्र और राज्य सरकार ने पेट्रोल डीजल पे टैक्स को घटाया तो उस समय से इसके दाम कंट्रोल में आ सके हैं। वहीं दोस्तों, अगर बात की जाए सोयाबीन तेल की यानी कि खाने वाले तेल की, तो 1 जनवरी 2020 को सोयाबीन तेल की कीमत 154 रुपए प्रति लीटर थी और यह अभी लगभग 163 रुपए प्रति लीटर है। आसान शब्दों में कहें तो लगभग 6% की बढ़ोतरी हुई है। ऐसे ही दोस्तों, अगर बात की जाए आटा की, तो 1 जनवरी 2022 को 1 किलो आटा 26 रुपए का मिल रहा था, लेकिन अभी इसका दाम 32 रुपए प्रति किलो है। आसान शब्दों में कहें तो आटे के दाम में 23 रुपए की बढ़ोतरी हुई है, मतलब प्रति किलो के हिसाब से आटा 6 रुपए महंगा हुआ है। तो जो चावल 1 जनवरी 2022 को 32 रुपए प्रति किलो मिल रहा था, अब उसका दाम 34 रुपए है, यानी कि 6% की बढ़ोतरी हुई है। ऐसे ही अगर बात की जाए तुअर के दाल की, तो 1 जनवरी 2022 को 1 किलो तुअर के दाल की कीमत 103 रुपए थी जो कि अभी बढ़ के 120 रुपए हो गई है। आसान शब्दों में कहें तो दाल के दामों में भी लगभग 16% की बढ़ोतरी हुई है। हालांकि दोस्तों, अगर बात की जाए सब्जियों की, तो वैसे तो सब्जियों के दाम हमेशा ही आगे पीछे होते रहते हैं, तो 1 जनवरी 2022 को 1 किलो टमाटर का दाम 43 रुपए था जो कि अभी 23 रुपए के आसपास है, यानी कि टमाटर लगभग 46% सस्ता हुआ है। हालांकि वहीं आलू के दाम बढ़े हुए दिख रहे हैं। जानकारी के मुताबिक 1 जनवरी 2022 को 1 किलो आलू के लिए केवल 16 रुपए के आसपास देने पड़ते थे, लेकिन अभी 23 रुपए के आसपास देने पड़ रहे हैं, यानी कि आलू के दाम में लगभग 44% की बढ़ोतरी हुई है। ऐसे ही अगर बात की जाए प्याज की, तो 1 जनवरी 2022 को 1 किलो प्याज के लिए लगभग 31 रुपए देने पड़ रहे थे, लेकिन अभी इसके लिए 28 रुपए करीब देने पड़ रहे हैं, यानी कि आलू अभी 10% सस्ता मिल रहा है 1 जनवरी 2022 के मुकाबले में। तो 1 जनवरी 2022 को 1 लीटर दूध की कीमत 48 रुपए के आसपास थी जो कि अभी 52 रुपए के करीब है, यानी कि दूध लगभग 8% महंगा हुआ है। ऐसे ही बात की जाए अगर शक्कर यानी कि चीनी की, तो 1 जनवरी 2022 को 1 किलो चीनी के लिए 40 रुपए तक देने पड़ रहे थे, लेकिन अभी देने पड़ रहे हैं 41 रुपए, यानी कि चीनी के दाम में केवल 2% की बढ़ोतरी हुई है। ऐसे ही दोस्तों, अगर बात की जाए सोने और चांदी की, तो 1 जनवरी 2022 को 10 ग्राम सोना 48,279 रुपए के करीब था, हालांकि अभी 10 ग्राम सोने के लिए 54
6,900 कुछ रुपए देने पड़ रहे हैं। आसान शब्दों में कहें तो सोने के दाम में लगभग 14% की बढ़ोतरी हुई है। ऐसे ही दोस्तों अगर बात की जाए चांदी की तो 1 जनवरी 2022 को 1 किलो चांदी के लिए 62,035 रुपए के करीब करीब देने पड़ रहे थे और अभी देने पड़ रहे हैं 68,520 रुपए के करीब करीब, यानी कि चांदी के दाम में लगभग 10% की बढ़ोतरी हुई है। ऐसे ही दोस्तों अगर बात की जाए ब्याजों की महंगाई को लेकर तो इसमें एक तरफ जनता का फायदा होता है तो एक तरफ नुकसान होता है। आसान शब्दों में कहें तो ब्याज की दरें बढ़ने से जो लोग FD करवाते हैं उनको अपनी FD पे ज्यादा ब्याज मिलता है, लेकिन जो लोग लोन लेते हैं तो ब्याज की दरें बढ़ने की वजह से लोन का भी ब्याज बढ़ जाता है। ऐसे में जो लोग लोन लेते हैं उनका नुकसान होता है और जो लोग FD करवाते हैं उनका फायदा होता है। तो अगर FD की ब्याज दरों की बात की जाए तो 1 जनवरी 2022 को 5 साल की FD पर 5.40% का ब्याज मिल रहा था, हालांकि अभी ये बढ़कर 6.25% हो गया है, यानी कि 1% से भी ज्यादा की बढ़ोतरी हुई है। वैसे आपको बता दें FD की ब्याज दरें देश के सबसे बड़े बैंक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की है। ऐसे ही दोस्तों अगर बात की जाए SBI के होम लोन की ब्याज दर की, होम लोन पर 6.80% के हिसाब से ब्याज देना पड़ रहा था, हालांकि अभी ये बढ़कर 8.90% हो गया है, यानी कि 2% से भी ज्यादा की बढ़ोतरी हुई है। आइए दोस्तों अब अगली खबर में जानते हैं कि इस साल 2023 में कौन कौन सी तारीख को कौन कौन सा स्पेशल इवेंट रहने वाला है। हिंदी पंचांग के मुताबिक इस साल सावन में अधिक मास रहेगा, इसकी वजह से शिव पूजा का महीना 3 जुलाई से शुरू होगा और 30 अगस्त तक चलेगा। आसान शब्दों में कहें तो सावन लगभग 59 दिन तक रहेगा। साथ ही जानकारी के मुताबिक आने वाले नवंबर के महीने में दीपावली और छठ पूजा दोनों ही पर्व एक ही दिन रविवार को रहेंगे। साथ ही आपको बता दें इस साल क्रिकेट एशिया कप भी खेला जाना है और क्रिकेट का वर्ल्ड कप भी, इसके अलावा वुमेन्स का फीफा वर्ल्ड कप भी होगा। अब दोस्तों अगर मैं आने वाले पूरे 12 महीने की एक एक तारीख को विस्तार से बताऊंगा तो वीडियो काफी ज्यादा लंबा हो जाएगा, इसी की वजह से ऐसा करते हैं कि हम आपको ये जानकारियां स्क्रीन पे दिखा देते हैं ताकि जो देखना चाहे वो देख ले वरना वीडियो को भगा ले। आपको बता दें दैनिक भास्कर की तरफ से ये जानकारियां साझा की गई हैं और बताया गया है कि कौन कौन सी तारीख को दुनिया भर में कौन कौन से महत्वपूर्ण इवेंट हो सकते हैं या कोई त्यौहार रह सकता है। तो जनवरी 2023 का महीना कुछ ऐसा रहेगा। फरवरी 2023 का महीना कुछ ऐसा रहेगा। मार्च 2023 का महीना कुछ ऐसा रहेगा। वैसे आपको बता दे होली 8 मार्च 2022 को बुधवार के दिन होगी। ऐसे ही अप्रैल का महीना कुछ ऐसा रहेगा। मई का महीना कुछ ऐसा रहेगा। जून का महीना ऐसा रहेगा। आपको बता दे 21 जून 2022 को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस रहेगा, वहीं 26 जून 2022 को हज की यात्रा शुरू होगी। साथ ही जून महीने को लेकर एक और बड़ी बात ये है कि जून के महीने में चंद्रयान 3 लॉन्च हो सकता है। ऐसे ही जुलाई का महीना कुछ ऐसा रहेगा। अगस्त का महीना कुछ ऐसा रहेगा। ऐसे ही सितंबर का महीना कुछ ऐसा रहेगा। वैसे दोस्तों आप नहीं जानते हैं तो आपको बता दें सितंबर का आने वाला महीना अपने देश के लिए बड़ा ही खास होगा, क्योंकि दिसंबर के महीने में G20 का सम्मेलन होने वाला है और ये सम्मेलन इस बार अपने देश भारत में होगा। इसी की वजह से सितंबर के महीने में दुनिया के 20 देशों से प्रधानमंत्री राष्ट्रपति समेत कई बड़े बड़े लोग आएंगे। वहीं दोस्तों अक्टूबर का महीना कुछ ऐसा रहेगा। नवंबर का महीना कुछ ऐसा रहेगा और दिसंबर का महीना कुछ ऐसा रहेगा। दोस्तों नए साल के बारे में एक और जानकारी आई है, आइए आपको इसके बारे में बताते हैं। जानकारी के मुताबिक 80% लोग फरवरी तक न्यू ईयर रिजोल्यूशन भूल जाते हैं, यानी कि नए साल में जो बहुत सारे लोग वादा करते हैं कि हम इस साल से ये नहीं करेंगे, ये नहीं करेंगे, ये नहीं करेंगे, तो ऐसे ही वादों को लगभग 80% लोग मार्च का महीना आने से पहले ही भूल जाते हैं। ऐसे ही एक डाटा के मुताबिक ये भी बताया गया है कि लगभग 92% लोग नए साल में जो अपने आप से वादा करते हैं उसे पूरा नहीं करते। वहीं दोस्तों अगली बड़ी खबर आ रही है CBSE के डेट शीट में बदलाव को लेकर। जानकारी के मुताबिक केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड यानी कि CBSE ने अभी हाल ही में रिलीज की 12वीं की डेट शीट में बड़ा बदलाव किया है। जानकारी के मुताबिक बोर्ड ने कुछ विषयों की एग्जाम डेट बदल दी है, तो इसी की वजह से अब CBSE के 12वीं के छात्रों को नई डेट शीट को डाउनलोड कर लेना चाहिए। डेट शीट को डाउनलोड करने के लिए छात्र CBSE की ऑफिशियल वेबसाइट cbse.go.in को विजिट कर सकते हैं। उम्मीद करते हैं इससे आपको काफी कुछ जानकारी मिली होगी। हम बस इसके बदले में आपसे इतना ही चाहते हैं कि आप इस वीडियो को लाइक कर दें और शेयर कर दें, क्योंकि आपका लाइक और शेयर करना ही होता है हमारी मेहनत का फल। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। Thanks for watching.